असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा एक्सक्लूसिव हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर बोला हमला, राहुल से हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं, हिमंता बिस्वा शर्मा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा है हमारे साथ, बातचीत करते हैं। तीसरी चौथी बार चुनाव घोषणा के बाद आ रहे हैं प्रचार करने, आपको क्या लग रहा है, नब्ज क्या है, क्या बता रहे हैं? देखिए चुनाव बहुत अच्छा हो रहा है। मोदी जी अमित शाह जी का रैली लास्ट दो दिन जो देख रहा है वो तो वही बोलेगा अभी वेव इलेक्शन हो गया बीजेपी के लिए। लेकिन आजकल मोदी जी पे पर्सनल अटैक बहुत ज्यादा होने लगा, पहले खड़गे साहब ने सांप कहा, के बेटे ने नालायक कहा, क्या मनीष शंकर अय्यर जी ने नीस बोला, किसी ने साय वाला बोला, किसी ने बोला सकीदार शोर है, किसी ने बोला साब है, लेकिन ये सारे जो आप गाली देते हैं वो भारत का जनता इसको एक वरदान बना लेता है। अभी जो आपने मोदी जी को साब बोला, मैं इतना ही समझता हूँ कि शिव जी का गले में भी नाग देवता रहता है और हम सुबह अभिषेक करता हूँ, नाग देवता में भी अभिषेक करता हूँ। तो इसीलिए अगर आज कांग्रेस नरेंद्र मोदी जी को देवता बोल रहा है, मेरा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन याद रखिए वो नाक कांग्रेस को काटते हैं। किसलिए? कांग्रेस भारत के लिए जो भी अपराध किया इसीलिए वो नाक काटते हैं। आप थोड़ा सा सावधान रहिए। प्रियंका गांधी कह रही है कि मोदी जी पे लिस्ट लेके आए हैं दिल्ली से और सुना रहे हैं कर्नाटका के लोगों को, हमारे परिवार को तो इतनी गालियां दी बीजेपी वालों ने कि उस पर किताब लिखी जा सकती है। एक किताब लिखना सही है गांधी फैमिली का ऊपर, आपका टाइटल गांधी कैसे बने, फिर इमरजेंसी कैसे हुआ, बोफोर्स कांड कैसे हुआ, कोट्टरोसी देश के कैसे भागा, आपने कांग्रेस का ऑफिशियल नॉमिनी को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में क्यों हराया। तो प्रियंका गांधी जी ने जब किताब लिखने का बात किया है मैं समर्थन करता हूँ। एक हकीकत ऑनेस्ट असेसमेंट ऑफ गांधी फैमिली एक किताब होना चाहिए। अगर वो किताब में सच लिखा जाते हैं तो पेंगुइन को वो पब्लिश भी करना चाहिए। मैनिफेस्टो में दो महत्वपूर्ण चीज़ें थी, एक तो पहला कि यहाँ राम जी और हनुमान जी की मंदिर बनाने की बात कही है, इसको लेकर कांग्रेस कह रही है कि पोलराइज कराने की कोशिश की जा रही है। देखिए मंदिर बनाना पोलराइजेशन है, जो जहाँ देश का करोड़ करोड़ लोग जाके पूजा करता है वो चीज क्या पोलराइजेशन का है? ये हमारा स्पिरिचुअल जर्नी का रास्ता है, परम सत्य का साथ मिलने का रास्ता है, वो रास्ता पोलराइज कैसे हो सकता है? आज हनुमान जी का जन्मभूमि कर्नाटक है, कौन जानते थे? मैं भी नहीं जानता था। दो महीना पहले जब मैं बेलेरी गया, गंगावाड़ी गया, तब मेरा मालूम हुआ कि यहाँ से ही हनुमान जी का जन्म था। देश में जानते हैं टीपू सुल्तान कर्नाटक का है, लेकिन हनुमान जी कर्नाटक का है वो कोई नहीं जानते हैं। तो इसीलिए बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनाना चाहिए। कर्नाटक का लोग तो मदद करेगा ही, देश का लोग भी जो कुछ है, देश का लोग भी ये कर्नाटक सरकार से गुजारिश करेगा कि हमें भी कुछ डोनेशन देने का मौका दीजिए। मैं तो मेरा एक महीना का सैलरी अभी लगा रख के रखा हूँ। आपने कहा कि एक महीने की सैलरी आपने लगा के रखे हैं, लेकिन एक और प्रश्न उठ रहा है कि यूसीसी और नेशनल रजिस्टर की बात हो रही है, वो इसकी जरूरत क्या थी? कर्नाटक में अगर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो पोलराइजेशन की कोशिश क्यों कर रहे हैं? डेवलपमेंट का साथ ही तो यूसीसी लिंक है। जब तक यूसीसी नहीं होगा मुसलमान महिला देश का द्वितीय श्रेणी का नागरिक रहेगा। आप इंजीनियरिंग कॉलेज बनाइए, मेडिकल कॉलेज बनाइए, लेकिन अगर मुसलमान महिला पढ़ नहीं सकता है तो आप ये मेडिकल कॉलेज किस काम के लिए है? जब यूसीसी होगा तब कोई 3 साल शादी नहीं कर पाएगा। पेरेंटल प्रॉपर्टी का ऊपर मुसलमान महिला का अधिकार बनेगा, देश सुंदर होगा। अगर यूसीसी का बात में चुनाव में नहीं बोलो कहाँ बोलो? तो बोलना तो सही है यूसीसी का बात, गर्व से बोलना चाहिए कि भाई हम देश का मुसलमान महिलाओं को एम्पावर करना चाहता हूँ, और ये तो मैं भी कल से बोलने वाला हूँ, बोलना सही है जरूर। आखिरी प्रश्न, आप नब्ज पकड़ने में बड़े मास्टर हैं और देश के हर एक राज्य में जाते हैं तो आप एडवांस में हम लोग को सूचना दे देते हैं, यहाँ क्या लग रहा है आप? यहाँ बहुत अच्छा वेब बन रहा है और आपसे फिर दोबारा बात करूंगा, लेकिन बहुत ही बढ़िया रिजल्ट बीजेपी के लिए होने वाला है।